हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है रिनोवेशन डे 3। और पता नहीं ये टी शर्ट कैसी हो रही है। और आज क्या हुआ है, आज जो कारपेंटर है वो आ गए थे 10:30 बजे और उनने नाप वगैरह लिया दोबारा से और वो नीचे काम कर रहे हैं, मतलब नीचे काम कर रहे हैं वो। तो आज मुझे नहाने का, खाना बनाने का पूरा टाइम मिल गया। तो मैंने भटूरे के लिए आटा गूंद दिया है, घर का पूरा काम निपटा हुआ है और अलग अलग शेड्स आ रही है मेरे मुंह पे। घर का पूरा काम निपटा हुआ है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब हाँ, वहाँ पे फैला हुआ है उस वाले रूम में, रसोई में कोई सामान नहीं है, बट धूल मिट्टी वगैरह फ़िलहाल तो नहीं है। अभी वो लोग नीचे पूरा कटिंग वगैरह का काम कर रहे हैं और चिपका रहे हैं जो भी उन्हें चिपकाना तो वो काम करने में लगे हैं। तो वो लोग आएंगे बीच में, फिट करेंगे, मतलब टाइम लगता है उन लोगों को भी, बट बीच बीच में मेरा कॉल आ रहा है, थोड़ी देर बात बात करती हूँ। तो गाइस, अब मेरे को भूख लग रही है तो मैं जा रही हूँ खाना करने, मतलब मैं जा रही हूँ भटूरे सेक रही हूँ अपने लिए और जल्दी से कुछ खा लूँ वरना मैं बेहोश जाऊँगी। मैंने सुबह से बनाना शेक, आज मैंने चाय नहीं पी, बनाना शेक, ग्रीन टी, कॉर्नफ्लेक्स। मुझे लग रही है बहुत भयानक भूख और अगर मुझे खाना नहीं मिलता है तो मैं कभी भी बेहोश हो सकती हूँ। सो गाइस, चलिए कुछ बनाया जाए। तो मेरा जो खाना है वो तैयार है, मैंने भटूरों को पिचका दिया है क्योंकि भटूरे फूल के लाती तो बहुत वैसे हो जाते और गरम गरम आप खा नहीं सकते। अगर आप हाउसवाइफ हो, आप जानते हो कि आपको बनाने पर तो उसके बाद खाने होते हैं। तो ये हो गया है मेरा भटूरा और ये है छोले, यह है छोले और छोले मैंने डाला है मिर्ची, टमाटर और प्याज और ऐसे मुझे छोले बहुत पसंद है। तो अब मैं चाहिए से खाने, मुझे बहुत भूख लग रही है। इस साइड से ऊपर क्या होगा? ओह बस ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग जा रहे हैं चिमनी लेने। आज फिट कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ बन रहा है सामान। तो एक हफ्ते में बनेगा सामान और जो भी कटिंग करनी होगी उन्हें करेंगे। मतलब आज का जो मेरा दिन था वो काफ़ी रिलैक्स था एज़ कम्पेयर टू जो मेरे दो दिन गए हैं, बट वैसा नहीं था जिसमें मैं रेस्ट कर पाती। कभी कुछ करने जाना पड़ता है, कभी कुछ करने जाना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं। हेलो मोटो। हाय मोटो। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स किधर? हाँ, सो हम लोग जा रहे हैं चिमनी लेने। कहाँ? दो तीन जगह जो हमने नेट पे सर्च करी है अभी, वहाँ वहीं पे मिल जाएगी। ऑलरेडी हमने देख चुके हैं चिमनी, बट ये है कि वो फिट हो जाए, फिट हो जाएगी। देखा तो ज़्यादा गर्म नहीं कर रही थी। तुम बैठ के आए चिमनी पे? लुक, ये बंदे बैठ के आए हैं चिमनी पे। हाउ कुड यू? आज का दिन रहा पर मेरे को पता बहुत नींद आ रही थी, सोने की इच्छा थी पर सो नहीं पाई। अब ऐसा हो गया है कि कुछ सामान नीचे रख दिया है राजा। हाँ, कुछ सामान नीचे रख दिया है और कुछ ऊपर। कहाँ नीचे? नीचे भी तो रखवा दिया। क्या रखवा दिया नीचे? वो प्लाई व्लाई। कहाँ पे नीचे? नीचे घर में भी। क्या बात कर रही? अब बहुत सारा हो गया था नीचे। हाँ। कटा, तो उसने फिर बोला। अब बात ये थी ना कि ऊपर चढ़ा रहा है प्लाई में, स्क्रैच व्रैच भी तो लग सकते हैं ना बार बार। तो वो चाबी? चाबी मैंने ही खोला था। तो नीचे भी हो गया, ऊपर भी हो गया। तो अब मुझे दो दो बार डर रही है। एक बार नीचे भी जाना पड़ेगा खोलने, फिर ऊपर भी जाना पड़ेगा। मतलब वही है, माय मूड स्विंग्स आर स्टिल ऑन। आई एम स्टिल ऑन। ऐसा लग रहा है पता है राजा, जैसे मैंने कितना सारा नशा करके रखा हो। छुट्टी ले ली शाम से, देखिए एक तीसरी छुट्टी लेके जैसे मुझे कहीं घुमा के ले आए हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब आप भी आप उपकाई लेते हैं, जब भी आप उबासी लेते हैं तो अगले को भी उबासी आती है। मैं कोई वीडियो भी देख रही हूँ उसमें कोई ले रहा है तो मुझे भी आएगी। और वो जो उबासियाँ आती हैं ना लगातार, जिसमें आंसू आए लगते, उसमें नींद नहीं आ पाती। पर ऐसा मैंने देखा है, मुझे बहुत आंसू आ रहे हैं, बहुत उबासी आ रही है तो मुझे नींद नहीं आएगी। अरे मेरे को पता चल गया मुझे क्या हुआ था। वो थोड़े दिन पहले मैंने तुम्हें बताया था जो एक इंसिडेंस जो मेरे साथ ऑल्टरनेट डे हुआ था दो दिन। क्या
जब मैं सो रही थी पर मैं जग गई थी और मैं अपना बॉडी नहीं मूव कर पा रही थी, जब मेरे को एक अलग सा जानवर टाइप का आदमी दिखा था बाजू में, वो स्लीप पैरालिसिस होता है। मैंने कल उसकी टर्म देखी, मेरे साथ एक डेढ़ महीने पहले हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था, तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। क्या हुआ था, मैंने काम वाम किया और 12 बजे दोपहर में मैं लेट गई और टीवी देखते देखते मैं सो गई, मेरी नींद लग गई थी। और क्या हुआ, फिर मेरी नींद खुल गई है, लाइक 10-15 सेकेंड के लिए मेरी नींद खुल गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बाजू में एक जानवर टाइप का आदमी था जिसकी मैंने फ़ोटो बना के दिखाई थी तुम्हें, और मैं चिल्लाना चाह रही थी, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी। कौन चढ़ता है वहाँ से? हाँ, मेरी बॉडी मूव नहीं हो रही थी, मैं सेंसेस में थी कि मैं उठ चुकी हूँ, सेंसेस में थी और मैं इतना डर गई थी। उसके बाद एक और सेम चीज़ हो रही थी उसके अगले से अगले दिन, और उस टाइम पे मैं 12-1 बजे दोपहर में सोई, वही दोपहर वाली नींद में, और सेम यही चीज़ हुई कि मुझे, मैं उठ गई हूँ, मैं उठना चाह रही थी बट मैं मूव ही नहीं कर पाई थी, मेरी बॉडी नहीं हिल रही थी, जब मैं बहुत डर गई थी। तो मैं लगातार 2 दिन डरी, फिर मैं कल ऐसे ही देख रही थी कुछ चीज़ें कि 10 चीज़ें जो हमें पता नहीं होती है रात में जो हमारे साथ होती हैं, तब मैंने एक टर्म देखी स्लीप पैरालिसिस, फिर मेरे को समझ में आया कि वो चीज़ थी, पर वो बहुत ही स्केरी चीज़ थी। मैं इतना डर गई थी कि वो आज तक मेरे को ना उसकी फिगर जो मैंने बनाई थी वो रखी हुई है। तुम जो हंस रहे थे, है ना, बहुत डरावना था। तो मैंने वो कल फाइंड आउट किया कि वो था क्या। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, बहुत ज़्यादा। मतलब आप जग चुके हो बट आप अपनी बॉडी मूव नहीं कर सकते और आपको अपने बाजू में कोई दिख रहा है बैठा हुआ। मैं वो अलमारी है ना, जो तुम्हारे साइड की जो अलमारी है, तुम अपने कपड़े रखते हो, उस साइड में ऐसे ही घुटनों के बल बैठा हुआ था वो उसका जो चेहरा था वो घोड़े जैसा था, उसकी एक बहुत लंबी चोटी थी, ठीक है, उसकी बॉडी में ऐसे करके बैठा था वो, स्टिल मुझे याद है वो। ओह माय गॉड, और मैं चिल्लाना चाह रही थी, घर में हो ही कोई नहीं था। डरा नहीं रही, मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मुझे वो पता चल गया, मैं डर गई थी तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ, ये हुआ क्या, वो भी ऑल्टरनेट डे में 2 दिन लगातार हुआ मेरे साथ, तो इसलिए मैं डर गई थी कि क्या हुआ है। तब मेरे को ये पता चला कि एक साइंटिफिक टर्म है, स्लीप पैरालिसिस, ये हुआ था, जो कि पता लोगों को राजा होता है और तुम नहीं जानते हो, वो बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप सोते सोते आपका माइंड जग जाता है, आपकी बॉडी नहीं जग पाती उस टाइम तक, ये होता है, और ये जगते जगते सो रहे हैं तो ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, जो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, हम लोग उस दिन भी गए थे चिमनी देखने, आई थिंक जिस दिन सामान वामान भी नहीं आया था उस दिन चिमनी देखने गए थे, बट वो जो शॉप थी वो संडे को बंद रहती है, तो वो संडे को बंद थी। एक जगह हमने ऑल दो फाइनलाइज कर दी है, बट हम वहाँ पे भी बस देख रहे हैं कि समथिंग बेटर, समथिंग गुड, जो रसोई में फिट हो जाए। समथिंग वर्स्ट, नॉट समथिंग वर्स्ट, समथिंग गुड, सब चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद, और मैं इतनी बड़ी वाली हूँ, मैंने फिर रात में ही ना स्लीप पैरालिसिस के बारे में यूट्यूब पे देख रही थी, ऐसी ड्रामे चीज़ें, और रात में मैंने देख ली, और मुझे कल रात को फिर बाथरूम जाना था, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई जाने, अंधेरे में मैंने 2 बिल्लियों की आंखें, पता नहीं, वो यूट्यूब में देख रही थी वो सब, तो मैं बापरे। और ना स्लीप पैरालिसिस की और डेफिनेशन दी थी ना, अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आप वैसे ही डर जाओगे, और मैं रात के 2-3 बजे वो वीडियो देख रही थी बैठ के, और मेरे को इतना डर लग रहा था, मेरे को लगा बापरे। फिर मैंने टॉपिक चेंज करके, वो 6:30 बजे वो बंद हो जाती है, 6:30 बजे क्यों बंद हो जाती है, पर फिर से बंद हो गई है वो, 6:30 बजे बंद हो जाती है, हमें पता नहीं था। इवन हम उस दिन आए थे तो हमें नहीं मालूम था कि वो ऐसी वाली मार्केट में है, घूम रहे हैं, क्योंकि हमें लगा फ्रंट सेक्शन की दुकान होगी, बट वो नहीं, बंद है अभी। इनका जो फ्रेंड है उसने हाफ इंफॉर्मेशन दी, सिर्फ लोकेशन बताई और ये नहीं बताया कि वो किसी मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर शॉप है।
feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you. अभी वापस आए हैं घर और अब मैं जाऊंगी डिनर बनाने पर थोड़ा रेस्ट करके. मैंने चेंज कर लिया, बस मेकअप नहीं उतारा था. सो मेरे हस्बैंड की डिमांड थी, उन्हें आलू और प्याज वाला पोहा खाना था, तो मैं आलू और प्याज वाला पोहा बना रही हूँ डिनर में. हाँ, डिनर में मुझे 15 दिन हो गए हैं पोहा बनाए हुए, तो उनका बहुत मन था और उन्हें पोहा बहुत पसंद है, बहुत. लाइक मैं उन्हें चढ़ाती हूँ कि आपके पापा की क्या पोहे की फैक्ट्री है जो आपको इतना पसंद है पोहा. तो इस तरह से तो किसी ने लिखा था एक बार कि पोहा थर्ड क्लास, मतलब आप थर्ड क्लास नाश्ता कैसे खा सकते हो. मतलब मुझे नहीं मालूम था आज तक कि पोहा थर्ड क्लास में आता है. तो मुझे उस दिन पता चला कि पोहा एक थर्ड क्लास नाश्ता है. आई थिंक हर इंडियन हाउस में पोहा बनता है और पोहा सब पसंद करते हैं. मुझे पर्सनली जो पोहा है वो बहुत ज़्यादा पसंद है. और मेरा जो फेवरेट पोहा है वो है सूखा पोहा, जो मैं उसकी रेसिपी सून शेयर करने वाली हूँ. वो इंस्टेंट पोहा है और बहुत जल्दी बन जाता है. बट मेरे को उस दिन बहुत बुरा लगा था कि थर्ड क्लास, मतलब जो हम लोग पसंद करते, किस तरह से थर्ड क्लास हो गया. मतलब मैं ब्रेड खाऊँ तो मुझे तो जो पसंद है और मेरे हस्बैंड को जो पसंद है मैं वही बनाऊँगी. तो मैं इसलिए क्लियर कर रही थी. मतलब अच्छा ही लगता है यार पोहे के बारे में. यार पोहे के बारे में हमारे इमोशंस हर्ट हो गए थे उस दिन. सो मैं बना रही हूँ पोहा, जस्ट पोहा बनने वाला है. सो मैं उसमें डालूँगी मूंगफली और पोहा और नींबू. और मेरे हस्बैंड उसे नमकीन के साथ और प्याज के साथ खाते हैं, मैं उसे नॉर्मल नींबू के साथ और थोड़ा नींबू डाल के खाती हूँ. तो वो बन रहा है. आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मैं एक दो दिन में उस कमरे से भी शूटिंग शुरू कर दूँगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि शुरू कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम काफ़ी लगना है. और अगर हो पाता है कि अगर वो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं, वैसे उन्हें यहाँ पे काम करना पड़ेगा जब उनके सब कुछ बन जाएगा. यही सब चल रहा था. और आज हम लोग देख के आए हैं बहुत सारा सामान. तो वो मॉड्यूलर किचन में जो वाइन ग्लासेस लटकाने के लिए जो जारे वो थे, वो सब देख के आए हम. जाके उसे लेना है हम लोगों को. चिमनी हम लोगों ने फाइनलाइज कर दी है, वो भी अभी एक दो दिन में आके लगा देगा. आई थिंक कल राजा कल आ जाएगा चिमनी वाला. हाँ, चिमनी वाला कल आ जाएगा. और यहाँ पे चिमनी, क्योंकि मैंने अभी जो हम लोग का कारपेंटर जो काम कर रहा है उससे मैंने बोला अभी खिड़की का पोर्शन छोड़ दो पहले, अभी वो यहाँ के बना रहा है. और खिड़की का पोर्शन मैंने अभी बोला एक दो दिन खिड़की तक की तरफ नज़र भी मत डालना, क्योंकि पहले एक बार चिमनी की फिटिंग वगैरह पता चल जाए किस ढंग से हो रही है और किस साइड हो रही है, उसके बाद यहाँ का नाप मेजरमेंट लेके बनाना. अदरवाइज़ वो पूरी मेजरमेंट ले रहा था आज, तो मैंने बोला नहीं, मेरी पूरी पूरी की पूरी जो पेंट है और मेरी पूरी अलमारी गंदी हो जाएगी बिना चिमनी के. और पीछे एक विंडो है तो देखते हैं क्या होता है. चिमनी बहुत प्यारी है जो हमने पसंद करी है, मैं आपको दिखाऊंगी वो कल अगर उसकी फिटिंग हो जाती है तो. सो बस जल्दी से पोहा बन जाए. और वहाँ पे आपने देखा होगा वो किचन कितनी प्यारी थी, मुझे पर्पल और वाइट किचन बहुत प्यारी लग रही थी. मेरा थोड़ा मन बदला, फिर मेरे को लगा नहीं यार रेड भी बहुत प्यारा कलर है, पर पर्पल वो बहुत प्यारी लग रही थी. और वहाँ पे एक से एक बढ़िया सामान था, मतलब एक से एक बढ़िया सामान. वो दुकान उस दिन खुली नहीं थी. और सो गाइस, अब मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ. आज का ब्लॉग ऐसा था, आपको आया होगा पसंद. कल देखते हैं कारपेंटर्स, आई थिंक कुछ ना कुछ तो हो जाएगा यहाँ पे. सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा. और अगर आया है, मेरे पैर पे चींटी घूम रही है,
और अगर आया है तो आपको मेरे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करना है, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू ब्लॉग, तब तक के लिए बाय। ऑल दो मैंने ब्लॉग को एंड कर दिया था, बट अब हम लोग जा रहे हैं बोजो को घुमाने, और इन केस अगर मुझे बोजो की गर्लफ्रेंड मिलती, जो हमेशा मिलती है और मिलती ही है ना राजा, वो मिलेगी आएगी। अरे कल इतनी अच्छे से मिल रही थी, कल बहुत प्यार से मिली थी, लेकिन कल ले जाना भूल गए। हाँ मैं कैमरा ले जाना भूल गई थी, तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि हमें बोजो की गर्लफ्रेंड मिलती है या नहीं मिलती। सो अभी तक तो बोजो की जो गर्लफ्रेंड है नहीं दिखी है, मतलब मैं देख रही कहीं दिख जाए, बट बोजो की गर्लफ्रेंड अभी तक नहीं दिखी है। बोजो पुपू कर रहा है, अब अपनी पुपू साफ भी कर रहा है। हाय हाय हाय, ओ माय गॉड आ गई बोजो की गर्लफ्रेंड। इसकी पूंछ कटी हुई है, और ये है गाइस। ओ माय गॉड, डर कुछ ज्यादा गाय नहीं, मुझे डर लग रहा है। बाप रे, इतनी सारी गाय क्यों खड़ी है यहाँ पे? वो कर ही रही है ऐ बोजो बचाओ बोजो, वो देखो बोजो बोजो और गाइस। चलो 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 चलो। कल इन्हें ट्रीट दी गई थी चिक्की बोन्स की। राजा आ रही है बोजो के पास। राजा आज तो वो डॉगीज भी नहीं जिन्हें हमने कल ट्रीट दी थी, आज एक भी डॉगी नहीं जिन्हें कल ट्रीट मिली थी ना, देखो खाली पड़ा है चौराहा। कल यहाँ पे बहुत सारे डॉगीज थे, वो हमेशा रहते, पता नहीं कहाँ गए वो, बहुत बदतमीज़ है। हाय के बाद भी ब्लॉग कर रही हूँ मैं, सोने से पहले बोजो एक घूमने आता है तो हम भी थोड़ा घूम लेते हैं उसके चक्कर में, एंड वो मेरे पीछे अभी भी है। इसे बोजो से इतना प्यार हो गया है कि रात को आके दरवाज़ा खटकाती है 2-3 बजे। बोजो कहें हम लोग जा रहे हैं वापस। नहीं सो अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस। बोजो का वेट बहुत कम कराना ज़रूरी था, आई थिंक उसका 1 kg रिड्यूस हो गया अभी। वॉट बोनी बोनी, मम्मा कहाँ हैं? बस बाय बाय। ये है सेफ्टी के लिए, एक्चुअली मैं सेफ्टी के लिए रखते हैं क्योंकि रात हो जाती है और बहुत ज़्यादा आप देख रहे हो सुनसान है, मतलब सेल्फ सेफ्टी के लिए, क्योंकि बोजो भी है और मैं भी जाती हूँ उसे घूमने और ये भी जा रहे हैं, तो थोड़ी सेल्फ सेफ्टी के लिए। सो गाइस अब मैं ब्लॉग को एंड कर रही हूँ, फाइनल बाय। बैठी हुई है और मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी, तो हम उसे एक कुछ खिला देते हैं। तो चलो राजा बता रही हूँ, सामने बैठी। सो अब ये खाएंगी खाना, कल इन्हें चिक्की बोन्स खाई थी, कल चिक्की बोन्स खाई थी इसने, अब मैं रोटी बना नहीं पा रही हूँ। फीडल फीडल बोजो हेट फीडल, बट ये फीडल ले आए थे। गुड गर्ल गुड गर्ल। कितने अच्छे से खा रही है ना, खाते ही है सब। बोजो बहुत नाटक करता है इसे खाने में, बोजो से चपती नहीं है। और ये लेके आ गए थे ये वाला पैकेट, 2-3 पैकेट ले आए ना तुम्हें। वो बहुत ज़्यादा को कितनी पतली हो रही है, खा लेगी अच्छे से।
मजे आ गए इसके तो इनके। तो चलो आप डिनर खाइए, हम चलते हैं यहाँ से। फाइनली हम इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं, मतलब मैं से तीसरी बार एंड कर रही हूँ। सो फाइनल बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।